हाय गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे इलेक्ट्रिकल वर्क पे। और आज हम बताने वाले हैं कि 16 मॉडल डीबी बॉक्स जो है वो कैसे ड्रेसिंग होता है। जो डीबी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसमें एमसीबी और कौन कौन सी सर्किट आती है। तो चलिए चलते हैं और फिर जो है अगली वीडियो में दिखाते हैं पूरा शुरू से लास्ट तक। आप बने रहिए वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं ये जो दिख रहा है आपको ऊपर का, ये न्यूट्रल पट्टी है। और इसमें जितने ब्लैक वायर आएंगे न्यूट्रल, वो न्यूट्रल पट्टी में जाएंगे। और ये साइड साइड में जो दिख रहे हैं दोनों, वो अर्थ पट्टी है। और जितने भी ग्रीन वायर है वो सभी वायर जो है ग्रीन, वो अर्थ में जाएगा। और इसको जो है यहाँ से वहाँ लूप कर देंगे, अर्थ दोनों में चला जाएगा। जितने भी रेड वायर हैं, ये देख रहे हैं आप, जितने भी रेड वायर हैं, ये सब पूरा सर्किट है। मतलब हर एक रूम का जो है ये पर्सनल आया है। और ये जो येल्लो देख रहे हैं, ये येल्लो जो है इन्वर्टर का है। जितने भी रूम का इन्वर्टर का वायर गया है, ये येल्लो वाले हैं सब। और ये एमसीबी है हमारा 63 एम्पियर का। ये ग्राउंड फ्लोर पे है और उसके बाद जो है ये 40 एम्पियर का है। 40 एम्पियर का ये नीचे का फ्लोर के लिए हो गया, और ये जो 63 एम्पियर हो गया, ये ऊपर फ्लोर दो तीन फ्लोर के लिए जो है, मतलब 63 एम्पियर ऑफ करेंगे तो पूरा मतलब बिल्डिंग का ऑफ हो जाएगा, और 40 एम्पियर का ऑफ करेंगे तो केवल ओनली फॉर ग्राउंड फ्लोर का ऑफ होगा। तो इस तरीके से जो है 2 एमसीबी रखा गया है। और ये सिंगल एमसीबी है, 16 एम्पियर का एमसीबी है, क्योंकि इसमें लोड रूम में बहुत कम है, तो इसके लिए 16 एम्पियर का जो है एमसीबी इसमें लगाया है। और इसमें टोटल जो है 10-12 एमसीबी है इसमें। ये पूरा एमसीबी जो है अभी लगा कर रेडी हो चुका है। इसमें 63 एम्पियर से आएगा 40 एम्पियर में लूप, उसके बाद उसमें से जो है आउटपुट निकल के नीचे से वो सभी एमसीबी में लूपिंग हो जाएगा। और उसके बाद जो है जितने भी एमसीबी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर रूम का पूरा एमसीबी इस तरीके से है। जितने भी सर्किट आएंगे सब इसी में आएंगे। अभी इसको देखना, अभी ये जो रेड वायर है इसको जो है अभी अच्छे से इसको टैपिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर से आपके पास टाई है तो टाई बहुत अच्छी बात है, टाई नहीं है तो फिर आप टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग करके ऐसा सेटिंग करके, और उसके बाद जो है प्रॉपर ऐसा सेटिंग करके, उसके बाद हर एक रूम का जो है नंबरिंग डाला होता है वायर पे। उसके बाद जो भी रूम का वायर है वो नंबर बाई नंबर आपको इसमें कनेक्शन कर देना है। और ये येल्लो वायर जो है ये इन्वर्टर का है, जिसे चारों वायर जो है ये भी एक एमसीबी में आएगा। चारों वायर जो है ये लास्ट एमसीबी में इसको डाल देंगे। अच्छा, टेप मारा क्योंकि हमारे पास अभी टाई है नहीं। पहला जो है ये न्यूट्रल प्लग कनेक्ट कर दे रहे हैं इसमें, क्योंकि न्यूट्रल कनेक्शन नहीं करेंगे तो बाद में हमारे को दिक्कत होगा फिर करने के लिए। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, पहले न्यूट्रल जो है कनेक्शन कर लेना है न्यूट्रल पट्टी में। तो चलिए करते हैं।
सब मेजरमेंट करके सब बराबर बराबर जो है वायर सब कनेक्ट करके और इसके बाद जो है इसको बराबर अंदर से सेटिंग करते जाएंगे इसको। दोस्तों ड्रेसिंग ऐसा होना चाहिए, देखने में मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए, यह ना कि जो है ना जैसे तैसे जो है डाल के छोड़ दिया। और बराबर जो है कनेक्शन करके और इसको जो है टाई है तो टाई मार देना चाहिए, टाई नहीं है तो फिर इसको बराबर सेटिंग करना चाहिए। मुझे बता दूं कि ये जो है येल्लो वायर है, ये पूरा इन्वर्टर का है, इन्वर्टर का पूरा कभी भी कॉमन ही होता है, वो एक ही वायर जो है पूरा बिल्डिंग में जुड़ा रहता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। इसमें जो है दो रूम का जो है दो रूम का एक वायर, दो रूम का एक वायर करके ले जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी जैसे इन्वर्टर से कूलर और फैन भी चला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता उसके लिए। इसके लिए जो है वायर जो है इसका दो रूम करके लेकर आया। बहुत से लोग लोकल लोग जो है इसमें जो है एक ही बार में जो है पूरा दौड़ा देता है, तो उसमें क्या होता है कहीं पे वायर ब्रेक हो गया तो क्या है पूरा रूम का बंद हो जाएगा, इन्वर्टर का लाइन जितना भी है पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोगों ने इसके लिए ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने किया है जो दो दो रूम का किया है, ताकि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा वायर में तो चलो दो रूम तो बंद होगा बाकी सब चालू रहेगा। अब ये जो है MCB से जो है आउटपुट निकलेगा 63 एम्पियर से, उसके बाद जो जाएगा 40 एम्पियर में, ये देखिए 63 में से निकाल के ये 40 एम्पियर में आ गया। टाइट बराबर होना चाहिए था, उसके बाद ये न्यूट्रल है, अब ये ऊपर का हमारा टाइट हो चुका है, इसको थोड़ा हिला डुला के भी चेक कर लेना चाहिए ताकि हमारा वायर लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो है हमारा इन्वर्टर से जो है मेन आउटपुट निकल रहा है, ये वो MCB में डाल रहा है, इसको इन्वर्टर से डायरेक्टली जो है यहाँ पे MCB में आएगा और MCB ऑन करेगा तो सब रूम में सप्लाई जाएगा। हमारा जो है काम फाइनली हो चुका है, अभी ये देखिए ढक्कन लगा दिए और इसमें जो है नंबरिंग डाल सकते हैं आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बोल के हर रूम का नंबर डालते हैं।